बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं उमैर नाज, कंप्यूटर नेटवर्किंग के लेक्चर नंबर 3 में। आज सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ टोपोलॉजी। फिज़िकल लेआउट ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क इज़ कॉल्ड टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी इज़ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स लाइक लिंक्स, नॉट्स एट्सेट्रा। बेसिकली टोपोलॉजी हम कहते हैं फिज़िकल लेआउट। हम जब भी एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर हम जितने भी हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम किस तरह से अरेंज करते हैं, जैसे कि नॉट्स डिफरेंट डिवाइसेस हैं उनको हम किस तरह एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, तो ये अरेंजमेंट्स हमारे पास फिज़िकल लेआउट टोपोलॉजी कहलाता है। अब टोपोलॉजी में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं टोपोलॉजी की, जैसा कि बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी है, स्टार टोपोलॉजी, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी। तो वन बाय वन हम तमाम टोपोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बस टोपोलॉजी को। बस टोपोलॉजी इज द सिंपलेस्ट ऑफ नेटवर्क टोपोलॉजीज। इन दिस टाइप ऑफ टोपोलॉजी ऑल द नोड्स कंप्यूटर एज वेल एज सर्वर आर कनेक्टेड टू द सिंगल केबल कॉल्ड बस बाय द हेल्प ऑफ इंटरफेस कनेक्टर। This central cable is the backbone of the network and is known as bus. Every workstation communicate with other device through this bus. Basically, bus topology के अंदर हम एक state cable use करते हैं और इस cable के ज़रिए से तमाम devices को हम आपस में connect कर देते हैं। अब ये जो हमारे पास central cable है ये basically हमारे पास कहलाती है bus। और हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क में जितनी भी डिवाइसेस हैं तमाम डिवाइसेस बेसिकली हमारे पास इस केबल के साथ, बस के साथ कनेक्टेड हैं, और जो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करेंगी वो वाया दिस बस केबल करेंगी। अब बेसिकली हमारे पास बस केबल हमारे पास इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। लाइक हमारे पास एक ही केबल यूज़ हो रही है और तमाम डिवाइसेस इस केबल के ज़रिए से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। दूसरी टोपोलॉजी हम देख लेते हैं रिंग टोपोलॉजी। इन रिंग टोपोलॉजी ऑल द नोड्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर इन सच अ वे दैट दे मेक अ क्लोज लूप। ईच वर्क स्टेशन इज कनेक्टेड टू टू अदर कंपोनेंट्स ऑन आइदर साइड एंड इट कम्युनिकेट विद दीज टू एडजेसेंट नेबर। डेटा ट्रेवल अराउंड द नेटवर्क इन वन डायरेक्शन। रिंग टोपोलॉजी भी अगर देखा जाए तो बस टोपोलॉजी की तरह एक सिंगल केबल के ज़रिए से ही तमाम डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हैं, लेकिन बस टोपोलॉजी में हम स्टेट केबल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास एक लूप बन जाता है जिसमें हमारे पास हर डिवाइस एक दूसरी डिवाइस के साथ कनेक्टेड है। जैसा कि यहाँ पर एक कंप्यूटर है, बेसिकली इस कंप्यूटर के साथ भी और इस कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड है, तो ये हमारे पास कहलाएगा रिंग टोपोलॉजी। उसके बाद हमारे पास है स्टार टोपोलॉजी। इन स्टार टोपोलॉजी ऑल द कंपोनेंट ऑफ नेटवर्क आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल डिवाइस कॉल्ड हब, विच मे बी अ हब, अ राउटर और अ स्विच। अनलाइक बस टोपोलॉजी डिस्कस अर्लियर वेयर नोड्स वर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल, हेयर ऑल द वर्क स्टेशन आर कनेक्टेड टू सेंट्रल डिवाइस विद पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। So it can be said that every computer is indirectly connected to every other node by the help of hub. अब बेसिकली स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम तमाम डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करते हैं थ्रू एक सेंट्रलाइज डिवाइस के। बेसिकली ये तमाम कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड हैं इस सेंट्रलाइज डिवाइस हब के ज़रिए से। अब इन तमाम सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए हम हब का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, राउटर या स्विच का भी यूज़ करेंगे। जैसा कि हमने पढ़ा कि बस टोपोलॉजी के ज़रिए हम एक सेंट्रल केबल के ज़रिए से तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं, बट स्टार टोपोलॉजी के अंदर हम एक सेंट्रलाइज डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं और इस डिवाइस के ज़रिए से तमाम कंप्यूटर्स या दूसरी जो डिवाइस नेटवर्क में यूज़ हो रही हैं वो तमाम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। उसके बाद अगली जो टोपोलॉजी है हमारे पास मैश टोपोलॉजी। इन अ मैश नेटवर्क टोपोलॉजी ईच ऑफ द नेटवर्क नॉट कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस
are interconnected with one another, every node not only send its own signal but also relay data from other nodes. In fact, a true mesh topology is one where every node is connected to every other node in the network. This type of topology is very expensive as there are many redundant connections, thus it is not mostly used in computer network. Mesh topology हमारे पास एक ऐसी topology है जिसमें हमारे पास एक network में एक device एक network में मौजूद तमाम devices के साथ directly connected होती है via single cable के जरिए से. इसमें हम देख लेते हैं, अगर ये हमारे पास computer है तो ये computer directly cable के साथ तमाम computers के साथ connect होगा. जैसे हम यहाँ से देखें तो ये computers हमारे पास इस केबल के ज़रिए से इस कंप्यूटर से कनेक्शन बिल्ड कर रहा है, इस केबल के ज़रिए से इस कंप्यूटर से बिल्ड कर रहा है, यहाँ से इस कंप्यूटर के साथ, इस तरह तमाम हमारे पास डिवाइसेस एक नेटवर्क के अंदर दूसरी तमाम डिवाइसेस से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है. अब बेसिकली हमारे पास एक एक्सपेंसिव नेटवर्क है क्योंकि इसमें केबल का बहुत ज़्यादा यूज़ है. अब जितनी ज़्यादा डिवाइसेस होंगी तो हर डिवाइस से दूसरी डिवाइस तक हम केबल कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करेंगे. उसके बाद हमारे पास अगली टोपोलॉजी है ट्री टोपोलॉजी. ट्री टोपोलॉजी इंटीग्रेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टार एंड बस टोपोलॉजी. अर्लियर वी सॉ हाउ इन फिजिकल स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी कंप्यूटर्स नॉड्स आर कनेक्टेड बाय ईच अदर थ्रू अ सेंट्रल हब. एंड वी ऑल्सो सॉ इन द बस टोपोलॉजी वर्क स्टेशन डिवाइसेज आर कनेक्टेड बाय द कॉमन केबल कॉल्ड बस. After understanding these two network configuration, we can discuss tree topology better. In tree topology, the number of star networks are connected using bus. This main cable seems like a main stem of a tree and other star network as the branches. It is also called expanded star topologies. Basically, tree topology हमारे पास bus topology और star topology का combination है, जिसमें हमने जैसा कि पहले ऑलरेडी हमने पढ़ा कि हमारे पास जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें हम सेंट्रलाइज हब का इस्तेमाल करते हैं डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए, और बस टोपोलॉजी हम एक सिंगल केबल के साथ तमाम डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं. अब ये बेसिकली यहाँ पे हमारे पास बस टोपोलॉजी की एक डायाग्राम है जिसमें हम देख सकते हैं कि दरमियान में हमारे पास एक सेंट्रलाइज केबल है. ये बेसिकली बस टोपोलॉजी शो कर रहा है. और इसी तरह यहाँ पे हमारे पास जो दूसरी डिवाइसेस हैं ये हमारे पास स्टार टोपोलॉजी, जैसे कि हमने हब का इस्तेमाल किया और स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी के कम्बिनेशन से हमारे पास एक टोपोलॉजी बनी जिसमें हमने इसे ट्री टोपोलॉजी कहा. तो आज के लेक्चर के अंदर हमने टोपोलॉजी को डिस्कस किया. जब भी हम एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाएंगे तो हम किसी टोपोलॉजी को यूज़ करते हुए एक नेटवर्क क्रिएट करेंगे.